93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। कहते हैं कि स्वर्ग नरक सब इसी दुनिया में है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग है और बुरा करोगे तो नरक भी यही है। आज की एक कहानी ऐसी भी की कहानी नोएडा के सेक्टर 19 में रहने वाली पूजा की है, जो बहुत एम्बिशियस है और अपनी जिंदगी में सिर्फ ऊंचाइयों को छूना चाहती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद पूजा को पुलिस स्टेशन जाना था, एक पुलिस केस के चक्कर में स्टेटमेंट देने, जिसे निपटाकर थकी हारी देर रात वो घर पहुंची। घर में घुसते के साथ ही उसने टावल निकाला और सीधा नहाने चली गई। शायद आज का दिन ही उसका खराब था, नहाते नहाते ही पानी चला गया। इरिटेट होकर पूजा बाहर निकली और नाइट सूट पहनकर अपने कमरे में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। दिन भर की थकी होने के कारण पूजा की आंखें नींद से बंद हो रही थी और उन्हीं आधी बंद आंखों से पूजा ने अपना ही कमरा टीवी पर साफ साफ देखा। उसकी नींद ये देखकर एक झटके से उड़ गई। पूजा थकी हुई थी, इसलिए वो इस घटना को अपना वहम मान ही रही थी कि तभी उसने टीवी पर दोबारा अपना कमरा देखा और साथ ही देखा कि जिस सोफे पर बैठकर वो टीवी देख रही है, वहां ठीक उसके पीछे खड़े होकर कोई उसके बालों में हाथ फेरा रहा है। हिम्मत तो नहीं थी, पर पूजा ने तुरंत पलट कर देखा। उसे वहां ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जैसा उसने अभी अभी अपनी टीवी पर देखा था। एक तो दिल्ली एनसीआर की सर्दी, ऊपर से माहौल की खामोशी, पूजा को डराने के लिए इतना काफी था कि उसके ऊपर से पूजा उस फ्लैट में वहां अकेले रहती थी। उसने बड़ी मुश्किल से इन सारी बातों को दिमाग से निकाला और सोने के लिए लेटी ही थी कि बाथरूम से एक आवाज आई। पूजा ने जाकर देखा तो पानी वापस आ गया था। उसने टैप बंद किया और सोई ही थी कि एक आवाज से उसकी नींद टूटी। पूजा 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। दिल्ली एनसीआर के सेक्टर 19 में पूजा अकेले अपने फ्लैट में रहती थी। इस फ्लैट में उसने अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास किया था, पर इन सारी बातों को भुलाकर जब वो सोने गई तो उसकी नींद एक आवाज से टूटी। पूजा। उसने उठकर पहले अपने कमरे की लाइट, फिर डाइनिंग हॉल, बाथरूम और किचन की लाइट ऑन करी। पूरे घर में उसे कहीं पर भी कोई नहीं दिखा, लेकिन इस बार पूजा की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने तुरंत अपनी पड़ोसी नेहा का दरवाजा खटखटाया और उससे रिक्वेस्ट करी कि आज की रात वो अगर उसके साथ उसके फ्लैट में सो जाए। पूजा के घर में घुसकर पूजा और नेहा ने काफी देर तक बातचीत करी और उसके बाद सोने चले गए। रात आराम से कटी बिना किसी दिक्कत के। अगले ही दिन पूजा ऑफिस से जल्दी वापस घर आई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि उसका बॉस उसके घर डिनर पे आने वाला था। पूजा ने जल्दी जल्दी डिनर तैयार किया और डिनर टेबल सजाकर नहाने चली गई। बाथरूम के अंदर से उसने एक जोर की आवाज सुनी। उसने शार बंद किया और बाथरूम का दरवाजा खोला तो बाहर सारी चीजें वैसी ही थी जैसा उसने छोड़ा था। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर शावर ऑन ही किया था कि तभी यह आवाज सुनकर दोबारा जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो देखा इस बार कुछ प्लेट्स टूटी पड़ी थी,
शायद घर में कोई बिल्ली घुसी और ये उसका काम हो, इसलिए इस पर ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए उसने वो सारी प्लेट्स उठाकर डस्टबिन में डाली और उसके बाद वापस डिनर टेबल को नई प्लेट से सजा दिया। थोड़ी ही देर में सामने देखा तो प्रियम खड़ा था, यानी उसका बॉयफ्रेंड, या यूं कहिए कि उसका बॉस। पूजा ने दरवाजा खोला और प्रियम का एक वार्म वेलकम किया, क्योंकि पूजा के घर में प्रियम पहली बार ही आया था। दोनों ने काफी देर तक काम, प्यार मोहब्बत और करियर की बातें डिस्कस करी और उसके बाद डिनर टेबल पर बैठे। खाना बस प्लेट में परोसा ही था कि पूजा के घर की डोरबेल बजी। पूजा ने ऐसे ही झटके से दरवाजा खोला तो सामने हाथ में बुके लिए मुस्कुराते हुए प्रियम बोला, सॉरी लेट हो गया, दिल्ली का ट्रैफिक तो पता ही है ना तुझे। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। आज पूजा का बॉस कम बॉयफ्रेंड यानी प्रियम पहली बार पूजा के नोएडा सेक्टर 19 वाले फ्लैट पे आने वाला था डिनर के लिए। उसके आने के बाद काफी देर उन्होंने गप्पे लड़ाई और खाना खाने टेबल पर बैठे ही थे कि डोरबेल बजी। पूजा ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था हाथ में बुके और चेहरे पर मुस्कान लिए प्रियम। प्रियम को अपने सामने देख पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने पलट कर देखा तो अब तक जो प्रियम उसके साथ था वो अब वहां नहीं था। पूजा के चेहरे के बदले हुए हुलिये को देख प्रियम ने कहा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या तुमने? पूजा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अंदर आओ। प्रियम अंदर आया और उसके बाद दोनों ने काफी देर तक बातें करी और फिर डिनर करके टीवी देखते देखते सो गए। देर रात प्रियम की आंख खुली एक धीमी सी आवाज से, थप। प्रियम की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी इस मच्छर के कारण जो पिछले आधी घंटे से उसे परेशान कर रहा था। प्रियम उठकर पानी पीने हॉल में गया और फ्रिज का दरवाजा खोला ही था कि हॉल का पंखा अपने आप शुरू हो गया। प्रियम ने नजर उठाई तो देखा पंखा तो चालू ही नहीं है। प्रियम ने सोचा कि उसने जो सुना गलत सुना, इसलिए वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालने के लिए जैसे ही झोंका कि तुरंत उसने नजर उठाई तो आवाज बंद, फिर झुकाई तो आवाज चालू, उठाई तो फिर बंद। प्रियम दौड़ता हुआ कमरे में गया और वहां जाकर उसने जो देखा वो देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूजा ने अपने कपड़े फाड़ रखे थे और कैंची से अपने बाल काट रही थी। प्रियम ने जब पूजा को रोकने की कोशिश की तो पहले तो पूजा ने प्रियम को जोर से धक्का दिया और उसके तुरंत बाद कमरे में रखे ड्रेसिंग टेबल के आईने पर अपना सर जोर जोर से मारने लगे। उसने दो तीन बार जोर जोर से आईने पर मारा तो आईना चकनाचूर हो गया। पूजा को बुरी तरह चोटें आई थी पर प्रियम न जाने कैसी हालात में था, इतना ज्यादा शौक था कि वो चाह कर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसे बस एक ही आवाज सुनाई देती नजरें झुकाने पर, जो उसके उठाने पर बंद हो जाती। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। पूजा के नोएडा सेक्टर 19 वाले फ्लैट पर आज उसका बॉस, या यूं कहिए कि उसका बॉयफ्रेंड प्रियम डिनर पर आया था। डिनर के बाद देर रात सोने गए पर प्रियम की नींद टूटी तो दोबारा उस रात
उसकी आंख ही नहीं लगी। घर के डाइनिंग हॉल में उसने कुछ ऐसी चीजें देखी कि वो दौड़कर कमरे में गया तो पाया पूजा पागलों की तरह अपने बाल काट रही है। प्रियम ने रोकने की कोशिश करी तो पूजा ने उसे जोर का धक्का दिया और फिर ड्रेसिंग टेबल के शीशे को अपने सर से फोड़कर कांच के एक टुकड़े से अपने चेहरे को जगह जगह से बहुत ज्यादा बुरी तरह से खरोंच दिया। पूजा के पूरे चेहरे पर गहरे कटे होने के कई निशान थे और पूरा चेहरा खून से भरा था। प्रियम ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और अपनी जगह से उठकर पूजा को संभालते हुए जोर से चीखा, क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? कि तभी पूजा बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। प्रियम ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को फोन लगाया। फोन कई बार लगाने के बाद भी नहीं लगा, पर जो चीजें कमरे में उसकी आंखों के सामने शुरू हुई वो देखकर प्रियम की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। कमरे का टीवी अपने आप शुरू हो गया, पंखा अपने आप चल पड़ा। इससे पहले कि प्रियम समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है, उसने एक आवाज सुनी। पलट कर देखा तो पूजा जाग चुकी थी और बिस्तर पर बैठी हुई कुछ बोल रही थी। बहुत प्रमाण था इसे अपनी खूबसूरती पर। मुझे कहती थी शक्ल दिखी है आईने में, अब खुद की शक्ल देखने में चिन्ह आएगी चिन्ह। इतना कहने के बाद पूजा फिर से बेहोश हो गई। इन सारे हादसों से हफ्ते भर पहले ही पूजा के एक ऑफिस कलीग ने उसे प्रपोज किया था और पूजा ने उसकी बहुत बेइज्जती करी थी। उसने सबके सामने उसे कहा था, शक्ल देखी अपनी आईने में। वो लड़का अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। परसों रात जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, उसे कुछ घंटे पहले ही पूजा पुलिस स्टेशन से लौटी थी अपना स्टेटमेंट देकर। आज इस घटना को करीबन 2 साल हो गए, उस आखिरी दिन से लेकर आज तक फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई पूजा के साथ। डॉक्टरी इलाज के बाद भी पूजा का चेहरा बुरी तरह से डिफॉर्म था और सच में उसे खुद की शक्ल देखने में घिनाती। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। दोबारा सुनने के लिए विजिट करिए हमारा YouTube चैनल 93.5 रेड टीवी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।